सरकारी अध्यक्ष का नाम लेकर ये बयान दे रहा है या देता है कि मायावती जी पर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा दबाव है और वह इनको सीबीआई व ईडी आदि का डर दिखाकर बीएसपी व कांग्रेस पार्टी का किसी भी कीमत पर यह चुनावी गठबंधन नहीं होने देना चाहती है। यह आज उन्होंने एक टीवी चैनल में अपने इंटरव्यू में कहा, जो पूरे तौर से असत्य, निराधार व तथ्यहीन है। जबकि वास्तव में सही बात तो यह है कि इनकी कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की आड़ में बीएसपी को ही खत्म करना चाहती है, जिसकी पृष्ठभूमि जग जाहिर है, अर्थात देश के खासकर जिन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के वोटों के बलबूते पर आज़ादी के बाद यहां वर्षों तक केंद्र व अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने एक छत्र राज किया है, लेकिन इस पार्टी ने भी बीजेपी की तरह ही इन वर्गों के प्रति अपनी जातिवादी व सांप्रदायिक सोच, तो इन वर्गों का भला नहीं किया है, इनका हित नहीं किया है, इनका विकास व उत्थान नहीं किया है, जिसकी खास वजह से फिर हमें मजबूरी में इन वर्गों के हितों में बीएसपी बनानी पड़ी है, जो ये देश की एकमात्र अनुशासित राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के तथा हजारों वर्षों से उपेक्षा व शोषण का शिकार रहे लोगों के लिए आत्मसम्मान व स्वाभिमान का एक मूवमेंट भी है, जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजीवन कड़ा संघर्ष किया, अनेकों प्रकार के दुख व अपमान आदि सहे और फिर अंत में अपनी जिद्दोजहद को परिणाम देते हुए इस देश को एक मानवतावादी बेहतरीन संविधान देने में सफल हुए। उनके देहांत के बाद इस मानवतावादी मूवमेंट को फिर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई और देश की राजनीति में एक नया मानवीय आयाम स्थापित करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपनी पार्टी की सरकार बनाने में ऐतिहासिक सफलता अर्जित की। और आज मैं खासकर उन्हीं महापुरुषों के त्याग, समर्पण व बलिदान आदि से प्रेरणा लेकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाकर काफ़ी जी जान से लगी हुई हूँ। और ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर व माननीय श्री कांशीराम जी की तरह ही कोई भी पद, सरकारी कुर्सी व बड़े से बड़ा ओहदा मुझे अपने संकल्प से डिगा नहीं सकता।